हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में ही सीरीज कॉल मी बे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है बेला नाम की लड़की से, जो बहुत ही रिच फैमिली में बॉर्न हुई थी। बेला काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो हमेशा अपनी खूबसूरती पर ध्यान देती थी। तो वही बेला का भाई समर उसे बचपन से ही सिखाया जा रहा था कि वो अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए। अब बेला जब बड़ी हुई तो उसे बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कहा कि बेला को इन सब बातों में ध्यान नहीं देना है। वो बेला से कहती है कि उसे एक रिच लड़के अगस्त्य के साथ शादी करनी होगी, ताकि अगस्त्य उनके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करे और उनका बिजनेस आगे बढ़े। जिसके बाद उसकी माँ बेला को सिखाने लगती है कि बेला को किस तरह से अगस्त्य के सामने बिहेव करना है, ताकि अगस्त्य बेला से इम्प्रेस हो जाए और उसे प्रपोज करे। जिसके बाद बेला को सब कुछ सिखाया जाता है और बेला उसी तरह से बिहेव करने लगती है। अब एक पार्टी में बेला और अगस्त्य की मुलाकात होती है और अगस्त्य को बेला पसंद थी। अब अगस्त्य अपना कोर्स करने के लिए लंदन गया था, तो बेला भी वहीं पर जाती है और उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। कुछ टाइम बाद अगस्त्य बेला को प्रपोज करता है। ये देखकर बेला काफ़ी खुश थी और वो अगस्त्य से कहती है कि वो फिर से एक बार प्रपोज करें, क्योंकि बेला चाहती थी कि वो इस पल को रिकॉर्ड करें, इसलिए वो अगस्त्य को फिर से प्रपोज करने के लिए कहती है। जिसके बाद उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और जैसे कि बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं, ठीक वैसे ही उनकी शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अगस्त्य अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि वो बेला को ज़्यादा टाइम नहीं देता था, जिसकी वजह से बेला काफ़ी परेशान थी। क्योंकि बेला के पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन अगस्त्य उसे टाइम नहीं दे रहा था। बेला का रूटीन रोज़ की तरह ही था, जिसकी वजह से वो काफ़ी बोर हो रही थी। रोज़ सुबह उठना, नाश्ता करना और फिर शॉपिंग करते हुए घूमना। इसकी वजह से बेला अगस्त्य से कहती है कि कम से कम उसके बर्थडे के दिन तो वो उसके लिए टाइम निकाले, लेकिन अगस्त्य कहता है कि उसके इलॉन मस्क के साथ मीटिंग है, इसलिए वो आज उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकता। अब ये सुनने के बाद बेला काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेला के पास ब्रांडेड बैग्स का कलेक्शन था। बेला वहाँ पर जाकर रोने लगती है और उनके साथ बातें करने लगती है। एक्चुअली बेला सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, वो हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती। साथ ही बेला को बेला से ज़्यादा बेनाम अच्छा लगता था। अब बेला की लाइफ में उसका नया जिम ट्रेनर आता है, जिसका नाम था प्रिंस, और बेला उसे देखकर काफ़ी इम्प्रेस थी। तो वही प्रिंस को भी बेला काफ़ी अच्छी लगी थी, इसलिए वो दोनों वर्कआउट करते हुए एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिसके बाद बेला के घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी, क्योंकि वहाँ पर अगस्त्य के एक बहुत बड़े क्लाइंट्स आए थे। अब बेला वहाँ पर अपने बिजनेस आइडियाज़ बताने लगती है, जो सुनकर अगस्त्य को गुस्सा आता है और वो बेला से कहता है कि वो बिजनेस के मामले में इंटरफेयर ना करें और पार्टी एंजॉय करें। अब ये सुनने के बाद बेला काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई थी, इसलिए वो पार्टी में आकर ड्रिंक करने लगती है कि तभी उसे प्रिंस दिखाई देता है। जिसके बाद बेला प्रिंस को जिम में लेकर जाती है और वहाँ पर उसके साथ रोमांस करने लगती है। तभी वहाँ पर अगस्त्य अपने क्लाइंट्स को लेकर आता है, क्योंकि वो उन्हें अपना घर दिखा रहा था। अब जैसे वो जिम के अंदर आता है, वो बेला को प्रिंस के साथ रोमांस करता हुआ देख लेता है, जो देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। जिसके बाद अगस्त्य गुस्सा हो जाता है और बेला को घर से निकाल देता है। अब बेला के पास अपने ब्रांडेड बैग्स के अलावा कुछ भी नहीं था। बेला बार बार अपने भाई समर को कॉल कर रही थी, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, जिस वजह से बेला अपने मायके चली जाती है। अब वहाँ पर बेला की माँ उससे काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि बेला की इस हरकत की वजह से उन्हें बिजनेस में काफ़ी लॉस हो सकता था, इसलिए वो बेला से कहती है कि वो न्यूयॉर्क चली जाए। अब बेला वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर वो अकेली रह जाती, इसलिए वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे यहीं पर रहने दे। लेकिन बेला की माँ कहती है कि उसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो गई थी, और अगर बेला यहीं पर रही तो उसके बारे में और ज़्यादा न्यूज़ आते रहेंगे और उनकी और ज़्यादा बदनामी होगी, इसलिए जब तक वो सब कुछ हैंडल नहीं कर लेते, बेला को यहाँ से जाना होगा। लेकिन बेला इंडिया छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड से कॉन्टैक्ट करने लगती है, ताकि वो कुछ दिनों तक उनके साथ रह सके, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। अब बेला की माँ ने उसे न्यूयॉर्क की टिकट दी थी, जो कि बेला के पास थी, लेकिन बेला वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए बेला अपनी एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती है कि वो आज रात के लिए उसे अपनी कार दे दे, क्योंकि बेला कहीं पर रात बिताना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कार में ही सोएगी। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसके लिए कार भेजती है और बेला कार में बैठकर ड्रिंक करने लगती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आते हैं और बेला से कार के पेपर्स मांगने लगते हैं,
लेकिन बेला उन्हें बताती है कि ये कार उसकी नहीं है। साथ ही बेला ड्रिंक कर रही थी, इसलिए पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहाँ पर बेला देखती है कि उसके साथ एक आदमी और एक पागल औरत बैठी थी। अब बेला वहाँ पर जाकर परफ्यूम लगाने लगती है, जिसके बाद वो परफ्यूम उस पागल औरत को भी देती है, लेकिन वो पागल औरत उस परफ्यूम को पीने लगती है, जिसके बाद बेला वो परफ्यूम फिर से अपने पास रख लेती है। जिसके बाद बेला उसके साइड में जो आदमी बैठा था उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो वो आदमी बताता है कि उसके अपने घर वालों के साथ लड़ाई हो गई थी और उसके घर वालों ने उसके ऊपर केस कर दिया। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आता है और वो बेला को बताता है कि उसे फाइन 10,000 रुपये भरना होगा, साथ ही उस आदमी का फाइन 5,000 रुपये था। अब ये सुनने के बाद बेला पुलिस वाले को 5,000 रुपये दे देती है और उनसे कहती है कि वो इस आदमी को छोड़ दें, क्योंकि तब बेला के पास बस 5,000 रुपये थे। इसलिए वो पुलिस वालों से कहती है कि वो उसकी कार को वहाँ पर रख ले, कल वो किसी को कार लेने के लिए भेजेगी तब वो फाइन के पैसे भर देंगे। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले बेला को भी छोड़ देते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन से बाहर आने पर बेला समझ नहीं पा रही थी कि अब वो कहाँ पर जाए। इसलिए बेला फिर से समर को कॉल करने लगती है, तो समर उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। बेला की माँ ने बेला को बताया था कि समर अभी इंडिया में नहीं है। तभी बेला को प्रिंस का कॉल आता है और वो बेला से कहता है कि वो उसके पास चली आए, लेकिन बेला कहती है कि अगर वो प्रिंस के पास आ गई तो पता नहीं घर वाले प्रिंस के साथ क्या करेंगे। इसलिए वो प्रिंस से कहती है कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से प्रिंस को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन प्रिंस को बेला की काफी चिंता हो रही थी, तो बेला उसे बताती है कि जब समर वापस आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सुनने पर प्रिंस उसे बताता है कि उसने समर का लोकेशन ट्रेस किया था और उसे पता चला है कि समर मुंबई में है। अब ये सुनने पर बेला डिसाइड करती है कि वो समर से मिलने मुंबई जाएगी, जिसके बाद प्रिंस उसके लिए टिकट बुक करता है और बेला मुंबई चली जाती है। वहाँ पर वो उसी होटल में रुकती है जहाँ पर वो हमेशा रुका करते थे। अब बेला वहाँ के सारे स्टाफ को जानती थी और उनकी बातों से पता चलता है कि बेला हमेशा उनकी मदद किया करती थी। जिसके बाद बेला अपने रूम में जाती है और तैयार होने लगती है, तभी उसे किसी की आवाज आती है और जब वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर होटल स्टाफ की एक लड़की सायरा थी, जो बेला को बताती है कि उसके सारे कार्ड्स डिक्लाइन हो चुके हैं, इसलिए बेला यहाँ पर नहीं रह सकती। अब ये सुनने के बाद बेला काफी टेंशन में आ जाती है कि वो क्या करेगी। तभी सायरा देखती है कि बेला के पास जो ब्रांडेड बैग था वो उसे कब से चाहिए था। अब जब ये बात बेला सुनती है तो वो सायरा को वो बैग ऐसे ही दे देती है, जिसके बाद बेला अपना सामान पैक करने लगती है तो सायरा उसे कहती है कि वो सामान पैक ना करे, वो एक दिन के लिए यहाँ पर रहने का उसका इंतजाम कर देगी, लेकिन अगले दिन बेला को यहाँ से जाना होगा। अब ये सुनने पर बेला भी मान जाती है, जिसके बाद वो अगले दिन होटल से चेकआउट कर देती है। अब जैसे ही वो वहाँ से जा रही थी तभी वहाँ पर उसे समर दिखाई देता है, इसलिए वो समर के पीछे पीछे चली जाती है। तो वो देखती है कि समर और अगस्त्य साथ में थे। यहाँ पर समर बेला से कहता है कि वो यहाँ पर क्यों आई, जबकि उसे कहा गया था कि वो न्यूयॉर्क चली जाए। अब ये सुनने पर बेला समर को समझाने लगती है कि जो कुछ भी हुआ था वो क्यों हुआ था। साथ ही वो अगस्त्य से भी सॉरी कह रही थी, लेकिन अगस्त्य उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद बेला समर से कहती है कि कम से कम वो तो उसकी बात को समझे, लेकिन समर भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। बेला उनसे कहती है कि वो जानती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो अपनी गलती सुधार सकती है। वो समर से कहती है कि अगर अगस्त्य ने उसे घर से निकाल दिया तो भी क्या हुआ, बेला अभी भी बिजनेस कर सकती है और लाइफ में कुछ कर सकती है। अब ये सुनने पर समर उस पर हंसने लगता है और बेला से कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि समर बेला से कहता है कि वो अकेले इस शहर में एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकती, जिस पर बेला कहती है कि वो ऑलरेडी एक दिन सर्वाइव कर चुकी है और अगर वो एक दिन सर्वाइव कर सकती है तो वो आगे भी कर लेगी। अब ये सुनने पर अगस्त्य बेला को कुछ पैसे दे रहा था ताकि वो वहाँ से चली जाए, लेकिन बेला उसके पैसे नहीं लेती और उनसे कहती है कि अब वो कुछ बन के दिखाएगी। ये बोलकर बेला वहाँ से चली जाती है। होटल के बाहर ही उसे फिर से सायरा मिलती है, जिसे बेला बताती है कि उसके पास अब रहने के लिए जगह नहीं है। अब ये सुनने पर सायरा उसे बताती है कि वो भी एज अ पेइंग गेस्ट रहती है, इसलिए अगर बेला चाहे तो वो भी उसके साथ आ सकती है। जिसके बाद बेला सायरा के साथ एज अ पेइंग गेस्ट रहने लगती है। वहाँ पर ना ही बेला के पास उसका सेपरेट रूम था और ना ही कोई प्राइवेसी, उसे सबके साथ रहना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी बेला खुश थी। बेला बहुत ज्यादा रिच थी, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर एडजस्ट होने में काफी टाइम लग रहा था। अब बेला अपना खर्चा निकालने के लिए अपना एक ब्रांडेड बैग बेच देती है,
जिसके बाद बेला डिसाइड करती है कि वो कहीं पर जॉब करेगी। एक्चुअली बेला ने कई सारे कोर्सेज किए थे, इसलिए वो उसी से रिलेटेड एक एक जॉब ढूंढने लगती है। वो काफ़ी सारे जॉब ट्राई कर रही थी लेकिन किसी पर भी वो टिक नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से बेला काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। अब जब वो सायरा के साथ पार्टी कर रही थी तभी बेला देखती है कि सत्यजीत नाम के एक जर्नलिस्ट का शो आ रहा था, जो सेलिब्रिटीज को अपने शो पर बुलाता और उनकी पर्सनल बातें लिख करके उन्हें एक्सपोज करता। अब जब बेला उसका शो देखती है तो वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है और उसे रोस्ट करना शुरू कर देती है। ये सब सुनकर उसकी फ्रेंड उसका वीडियो बनाने लगती है, जिसके बाद वो उसे अपलोड करती है और बेला का वो वीडियो वायरल हो जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिसके बाद बेला अपना नया जॉब ज्वाइन करती है, जहाँ पर वो एक होटल में शेफ थी। और जब बेला स्विमिंग पूल के पास से गुजर रही थी तभी नील उसे रोकता है। इससे पहले कि वो बेला से कुछ कहता, वो पानी में गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। ये देखकर बेला भी पानी में आती है और नील से कहती है कि 4 फुट पानी में कोई भी डूब नहीं सकता। लेकिन नील उसे बताता है कि उसे पानी से काफ़ी डर लगता है, इसलिए वो डर रहा था। जिसके बाद नील बेला से कहता है कि कल वो उसके ऑफिस पर आ जाए, लेकिन बेला उसे मना कर देती है। जिसके बाद बेला को पता चलता है कि नील एक न्यूज़ चैनल में काम करता है जिसका नाम था TRP न्यूज़, और नील एक काफ़ी बड़ा जर्नलिस्ट था। अब ये सुनने पर बेला को ऐसा लगता है कि उसने सत्यजीत को जो रोस्ट किया था उसकी वजह से वो लोग उसके ऊपर केस करने वाले होंगे, इसलिए बेला काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि कहीं उसे जेल ना हो जाए। अब सायरा बेला को समझाती है कि कल वो नील से मिलने ऑफिस पर जाए, और बेला नील के ऑफिस चली जाती है। वहाँ पर नील बेला को बताता है कि उसने उसका वीडियो देखा, उसे ऐसा लगा कि बेला काफ़ी निडर है, वो किसी से भी नहीं डरती, इसलिए नील बेला को अपना सोशल मीडिया मैनेजर बनाना चाहता था। अब ये बात सुनकर बेला काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। बेला उसे बताती है कि उसने सोशल मीडिया जर्नलिज्म का कोर्स किया है, इसलिए ये जॉब उसके लिए परफेक्ट है। जिसके बाद बेला नील के सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती है, जिसकी वजह से उसके काफ़ी अच्छे लाइक्स वगैरह आने लगते हैं, जो देखने पर नील काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। एक्चुअली नील और सत्यजीत एक ही ऑफिस में काम करते थे, लेकिन सत्यजीत का शो बहुत ज़्यादा फेमस था, तो वही नील एक सच्चा जर्नलिस्ट था और उसके न्यूज़ में बिल्कुल भी मिर्च मसाला नहीं होता था, जिसकी वजह से उसके शो को ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। लेकिन बेला कहती है कि अब वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। जिसके बाद बेला अपना काम शुरू कर देती है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब पहले दिन बेला की मुलाकात तमारा नाम की लड़की से होती है, जो कि उसकी कलीग थी। तमारा उसे अपने ऑफिस के बारे में सब कुछ बताने लगती है, जिसके बाद बेला को पता चलता है कि सत्यजीत भी उसी ऑफिस में काम करता है, लेकिन बेला उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपना काम शुरू कर देती है। तो वही बेला का घर वहाँ से काफ़ी दूर था, इसलिए तमारा उसे कहती है कि वो चाहे तो उसके साथ रह सकती है। तमारा उसे बताती है कि उसका फ्लैट काफ़ी अच्छा है, सी व्यू भी है और काफ़ी बड़ा भी है, तो वहाँ पर बेला को काफ़ी अच्छा लगेगा। एक्चुअली तमारा की रूममेट फ्लैट छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से तमारा को रेंट का काफ़ी लोड हो रहा था, इसलिए वो अपने लिए एक रूममेट ढूंढ रही थी। जब वो ये बात बेला को बताती है तो बेला तो वहाँ आने के लिए तैयार थी, लेकिन डिपॉजिट 50,000 था और बेला के सारे बैग्स खत्म हो गए थे, इसलिए उसके पास अब पैसे नहीं थे। अब जब ये बात बेला सायरा को बताती है तो सायरा को जो बेला ने बैग गिफ्ट किया था, सायरा उस बैग को बेच देती है, जिसके पैसे वो बेला को देती है ताकि बेला अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो सके। जिसके बाद बेला तमारा के पास आती है और वो फ्लैट देखने के बाद वो काफ़ी शॉक थी, क्योंकि वो फ्लैट बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा तमारा ने कहा था। वो फ्लैट काफ़ी छोटा था और ना ही वहाँ से कोई सी व्यू था, लेकिन फिर भी बेला वहीं पर रहने लगती है, वो बिल्कुल भी तमारा के साथ झगड़ा नहीं करती। अब दूसरे दिन जब बेला ऑफिस जाती है तो सत्यजीत के शो की शूटिंग चल रही थी, जहाँ पर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस आई थी और सत्यजीत बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने मूवी साइन नहीं किए। अब यह सुनने के बाद वो एक्ट्रेस काफ़ी शॉक थी, क्योंकि उसने अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, तो फिर सत्यजीत को कैसे पता चला? सत्यजीत सबको इस बारे में बताता है, जिससे वो एक्ट्रेस काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उस एक्ट्रेस की अब तक शादी नहीं हुई थी। और ये देखकर सत्यजीत के शो के प्रोड्यूसर हरलिन उसे समझाने लगती है कि वो इस तरह से किसी की प्राइवेट बातों की ब्रेकिंग न्यूज़ ना बनाए, लेकिन सत्यजीत उसे कहता है कि उसका शो इसी वजह से हिट है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हरलिन और सत्यजीत रिलेशन में थे। हरलिन चाहती थी कि सत्यजीत उसे शादी कर ले, लेकिन सत्यजीत उसे कहता है कि वो लोग कुछ टाइम बाद शादी कर लेंगे। जिसके बाद जब सत्यजीत अपने घर पर जाता है तो वो अपने मम्मी पापा को हाथ से खाना खाता हुआ देख लेता है। ये देखकर सत्यजीत उन्हें समझाने लगता है
कि वो हाई क्लास बनकर रहे। तभी सत्यजीत देखता है कि उसकी बहन भी वापस आ गई थी। एक्चुअली सत्यजीत ने अपनी सिस्टर को जर्नलिज्म का कोर्स करने के लिए आउट ऑफ इंडिया भेजा था, लेकिन उसकी सिस्टर को जर्नलिज्म में इंटरेस्ट नहीं था। ये बात सुनने पर सत्यजीत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक 60 लाख रुपए खर्चा किया था अपने बहन की पढ़ाई पर, लेकिन अब उसे कुछ और करना था। तो वही सत्यजीत बेला को परेशान करने का भी एक मौका नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि वो बेला पर काफी गुस्सा था, क्योंकि बेला ने उसे इतनी बुरी तरह से रोस्ट किया था। अब नील बेला को लेकर एक सिम लॉन्च के प्रोग्राम में जाता है, जहाँ पर नील काफी बेकऑफ होकर क्वेश्चंस पूछ रहा था। ये देखकर बेला उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि नील एक सच्चा जर्नलिस्ट था। एक्चुअली वो सिम कार्ड जिसने लॉन्च किया था उसका नाम था मुकुल सावला, और उसने वो सिम कार्ड फीमेल्स के लिए फ्री रखा था। साथ ही उस प्रोग्राम में जितनी भी लेडीज आई थी उन सबको वो सिम कार्ड दिया गया था, उसमें से एक बेला भी थी, इसलिए बेला को भी सिम कार्ड मिला था। जिसके बाद अगले दिन बेला को एक वीडियो आता है जिसमें लड़की का चेहरा ब्लर था। वो बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है और एक बिजनेसमैन उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, और वो चाहती थी कि उस बिजनेसमैन का असली चेहरा बेला सबके सामने लाए, लेकिन वो एक्ट्रेस अपनी पहचान बताना नहीं चाहती थी। अब ये वीडियो देखने के बाद बेला समझ नहीं पा रही थी कि कोई उसे ये वीडियो क्यों भेज रहा है। उस लड़की ने अपना नाम अनामिका बताया था, इसलिए बेला अनामिका नाम की एक्ट्रेस को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलती। जिसके बाद बेला काफी परेशान थी कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि ना ही बेला को एक्ट्रेस का नाम पता था और ना ही उसकी पूरी स्टोरी। लेकिन कुछ दिनों बाद बेला के पास फिर से उस एक्ट्रेस का वीडियो आता है, जिसमें वो बताती है कि कुछ टाइम पहले वो शूट के लिए लंदन गई थी, और वहां पर उससे मिलने के लिए मुकुल सावला आया और उससे कहा कि अगर वो उसके साथ सोएगी तो वो उसे टॉप की हीरोइन बनाएगा। तब से मुकुल सावला उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और बार बार उसे धमकी दे रहा है कि उसे उसके साथ इंटीमेट होना होगा, नहीं तो वो उसका करियर बर्बाद कर देगा। अब ये सब सुनने के बाद बेला काफी शॉक थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मुकुल सावला ऐसा होगा। जिसके बाद बेला ये ढूंढने में लग जाती है कि आखिर ये एक्ट्रेस है कौन, क्योंकि जब तक बेला सामने जाकर उस एक्ट्रेस से बात नहीं करती तब तक वो उसकी स्टोरी पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकती थी। तभी बेला के घर पर सायरा आती है और वो बताती है कि आज से वो भी उनके साथ ही रहेगी। अब इसके लिए तमारा तो पहले मना कर रही थी, लेकिन सायरा कहती है कि वो भी रेंट शेयर करेगी। ये सुनने के बाद तमारा इसके लिए मान जाती है। वो तीनों बैठकर यही सोच रहे थे कि अनामिका कौन होगी, कि तभी वहां पर प्रिंस आता है। प्रिंस बेला से कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो बेला के पास आया था, और वो बेला से कहता है कि वो अक्सर उससे मिलने आया करेगा। अब प्रिंस को देखकर बेला काफी परेशान थी, क्योंकि वो प्रिंस को वहां पर नहीं चाहती थी, लेकिन प्रिंस उसके लिए वहां पर आ गया था। अब ये सभी लोग वीडियो वाली एक्ट्रेस को ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले तो ये लोग ये पता लगाते हैं कि कुछ टाइम पहले ही लंदन कौन गया था, लेकिन लिस्ट काफी लंबी थी इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा था। जिसके बाद वो लोग काफी सारे तरीके आजमाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं चलता। तभी बेला जब फिर से वीडियो देखती है तो वो देखती है कि उस एक्ट्रेस के पीछे मनीष मल्होत्रा का कोट था, जिसके बस 9 ही पीसेस थे, यानी कि बेला को मनीष मल्होत्रा से उसकी लिस्ट मिल सकती थी। इसलिए बेला डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ की मदद लेगी। इसलिए बेला सायरा को लेकर अपनी माँ से मिलने जाती है, लेकिन सायरा वहां पर गैम्बलिंग करने में लगती है। तो वही बेला अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेला की माँ उसकी मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बेला इस तरह की लाइफ जिए। वो बेला से अभी भी कह रही थी कि वो न्यूयॉर्क चली जाए, लेकिन बेला कहती है कि अब उसे कुछ करके दिखाना है। ये बोलकर बेला वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब बेला ऑफिस में थी तभी उसकी माँ का पार्सल आता है। उसकी माँ ने बेला के लिए एक नया ड्रेस भेजा था और साथ ही वो लिस्ट भी। ये देखने के बाद बेला काफी खुश थी। जिसके बाद वो और उसके दोस्त मिलकर उन 9 लोगों को फॉलो करने लगते हैं जिनके पास मनीष मल्होत्रा का कोड था, और ऐसे करते हुए उन्हें एक्ट्रेस का पता चल जाता है और उसका नाम था मधुलिका सहाय। बेला जाकर मधुलिका से मिलती है और उससे कहती है कि वो उसकी पूरी स्टोरी जानना चाहती है। जिसके बाद मधुलिका उसे बताती है कि जब वो 17 साल की थी तब वो इस इंडस्ट्री में आई थी, तब उसे पता नहीं था कि किन लोगों के साथ काम करना चाहिए और किन लोगों के साथ नहीं, और उसी दौरान उसने कुछ वैसे वाले वीडियो शूट किए थे। जिसके बाद जब वो फेमस हुई तो उसने वो सारे वीडियोस के राइट्स खरीद लिए और उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन एक वीडियो वो ले नहीं पाई, और वो वीडियो मुकुल सावला के हाथ लग गया, और तब से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, और मधुलिका कुछ भी करके मुकुल सावला से छुटकारा पाना चाहती है। अब ये सुनने पर बेला उसे कहती है कि उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की, जिस पर मधुलिका का कहना था
कि वो एक फेमस एक्टर तरुण कपूर के साथ रिलेशन में है और अगर उसने तरुण को ये सब बताया तो पता नहीं तरुण किस तरह से रिएक्ट करेगा। तरुण की फैमिली काफ़ी ज़्यादा फेमस थी इसलिए उनकी भी बदनामी होगी। इसलिए मधुलिका काफ़ी डर रही थी कि अगर उसका वीडियो सबके सामने आ गया तो पता नहीं क्या होगा, कहीं तरुण और उसका रिश्ता ना टूट जाए। अब ये सब सुनने पर बेला उसे समझाती है कि उसे एक बार पहले तरुण से बात करनी चाहिए, लेकिन मधुलिका इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन मधुलिका कहती है कि अगर बेला ने मुकुल सावला के लैपटॉप से वो वीडियो डिलीट कर दिया तो वो तरुण को सब कुछ बता देगी। अब ये सब सुनने पर बेला प्लान बनाने लगती है कि किस तरह से वो मुकुल सावला के लैपटॉप तक पहुंच पाएगी, जिसके बाद बेला को पता चलता है कि मुकुल की बेटी का बर्थडे था जिसके लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। इसलिए बेला और उसके फ्रेंड्स उसी पार्टी में चले जाते हैं और उसकी बेटी के साथ बातें करते हुए बेला उसके घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो मुकुल का लैपटॉप लेती है लेकिन वो फोल्डर्स ओपन नहीं कर पा रही थी। पर वो देखती है कि वहाँ पर कई सारे लेडीज के नाम के फोल्डर थे जिसमें से एक नाम बेला का भी था। अब बेला उन फोल्डर्स के फोटो ले लेती है लेकिन वो मधुलिका का वीडियो डिलीट नहीं कर पाती क्योंकि तब तक वहाँ पर मुकुल सावला आ गया था, इसलिए बेला को वहाँ से निकलना पड़ता है। जिसके बाद बेला इसके बारे में मधुलिका को बताती है तो मधुलिका ये सुनकर काफ़ी नाराज थी कि बेला ने उसका वीडियो डिलीट नहीं किया, जिस पर बेला कहती है कि उन्हें कोई भी गारंटी नहीं है कि मुकुल सावला के पास बस वो एक ही वीडियो है, उसने कहीं और भी वो वीडियो रखा होगा इसलिए डिलीट करने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो मधुलिका से कहती है कि वही सबके सामने सच बताए। तभी वहाँ पर तरुण भी आता है और वो सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो मधुलिका को सब कुछ सच पूछता है और वो उसे सब कुछ बता देती है। अब तरुण भी मधुलिका को सपोर्ट कर रहा था और वही उसे कहता है कि वो सबके सामने अपना सच बताए। जिसके बाद बेला मधुलिका का वीडियो बनाती है और सबको मुकुल सावला की सच्चाई पता चल जाती है। अब उस वीडियो की वजह से बेला काफ़ी फेमस हो जाती है, साथ ही बाकी लड़कियां भी जिन्हें मुकुल सावला ने इसी तरह से धमकियां दी थी वो भी सामने आकर सच बता रही थी, जिसकी वजह से मुकुल सावला काफ़ी टेंशन में था और वो सत्यजीत से कहता है कि वो उसकी इमेज को ठीक करे, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सत्यजीत को बर्बाद कर देगा। तो वही बेला और नील भी एक साथ काम करते हुए एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जिसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जिसे भी पता चल गया था कि बेला और नील के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन उसे इस बात का बुरा नहीं लगता क्योंकि वो भी तमारा को पसंद करने लगा था और उनका रिलेशन भी शुरू हो जाता है। तो वही हम हरलिन को देखते हैं जो सत्यजीत के घर जाती है। वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सत्यजीत उनकी शादी की बात करेगा, लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि सत्यजीत की माँ उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। अब यह सुनने के बाद हरलिन काफ़ी शॉक थी क्योंकि सत्यजीत ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जिसके बाद हरलिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि सत्यजीत बस अपने बारे में सोचता है, उसे ऐसा लगता है कि उसका शो बस उसी की वजह से हिट है। अब ये सब देखकर हरलिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। जिसके बाद हम सत्यजीत को देखते हैं जो मुकुल सावला को अपने शो पर बुलाना चाहता था ताकि वो उसकी इमेज ठीक कर सके, लेकिन नील कहता है कि सत्यजीत अकेला मुकुल सावला का इंटरव्यू नहीं लेगा, वहाँ पर बेला भी होगी और उसका भी इंटरव्यू साथ में ही होगा। अब ये सुनने के बाद सत्यजीत पहले तो इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन सब लोगों के कहने पर उसे मानना पड़ता है, जिसके बाद सभी लोग उनके इंटरव्यू की तैयारी करने लगते हैं। अब शो की काफ़ी ज़्यादा हाइप थी इसलिए बेला भी अच्छे से तैयार होकर वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद शो शुरू हो जाता है और सत्यजीत बेला को एक्सपोज करने लगता है कि किस तरह बेला ने एक अमीर लड़के से शादी की जिसके बाद उसे चीट किया और फिर उसे घर से निकाल दिया। अब ये सब सुनकर बेला को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो सबके सामने एक्सेप्ट करती है कि हाँ उसने ये गलत किया था। वो कहती है कि उसे अपने हस्बैंड को चीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन हाँ वो एक्सेप्ट करती है कि उससे गलती हो गई। जिसके बाद बेला सत्यजीत से कहती है कि वो मुकुल सावला से भी क्वेश्चन करे, लेकिन सत्यजीत मुकुल सावला से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा था, जिसके बाद बेला खुद ही मुकुल सावला से क्वेश्चंस करने लगती है कि जब मधुलिका लंदन में थी तो मुकुल सावला वहाँ पर क्या कर रहा था। तो मुकुल सावला कहता है कि वो लंदन में था ही नहीं, बल्कि वो तो अपनी फैमिली के साथ स्कूबा डाइविंग सीख रहा था। अब ये सुनने के बाद बेला को गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ माइक फेंकती है जो कि मुकुल सावला को लग जाता है। अब ये देखने के बाद सभी लोग काफ़ी शॉक थे। बेला मुकुल सावला से पूछती है कि उसने माइक क्यों नहीं पकड़ा, जिसका उसके पास कुछ भी जवाब नहीं था। बेला बताती है कि मुकुल सावला के एक कंधे में इंजरी है और ऐसा होने के बाद कोई भी स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकता। एक्चुअली बेला को स्कूबा डाइविंग काफ़ी अच्छे से आती थी इसलिए उसे स्कूबा डाइविंग के बारे में सब कुछ पता था। अब ये सुनने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं
कि मुकुल सावला झूठ बोल रहा था। अब यह सुनने पर सत्यजीत भी मुकुल सावला के ऊपर गुस्सा करने लगता है, लेकिन बेला उसे रोकती है और सत्यजीत से कहती है कि वो सबके सामने इस तरह से एक्टिंग ना करे। बेला बताती है कि सत्यजीत और मुकुल सावला मिले हुए हैं। बेला बताती है कि जो सिम कार्ड मुकुल सावला ने लॉन्च किया था वो सिम कार्ड डाटा चुराता है और उसी की मदद से मुकुल सावला के पास सारे सेलिब्रिटीज का डाटा चला जाता था और वही डाटा वो सत्यजीत को भेजता था, जिसकी वजह से सत्यजीत को अंदर की बातें पता चलती थी और वो अपने शो में उनकी प्राइवेट बातें बताकर अपना शो फेमस कर रहा था। अब ये सब सुनने के बाद सत्यजीत हरलिन को कैमरा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन हरलिन उसकी बात नहीं सुनती और बेला उसे एक्सपोज करना शुरू कर देती है। एक्चुअली बेला ने अपने दोस्तों की मदद से सत्यजीत के लैपटॉप से सारा डाटा ले लिया था, जिसकी वजह से अब सत्यजीत का चेहरा सबके सामने आ गया था और सभी लोग उससे नफरत करने लगे थे, तो वही बेला काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। बेला का ये इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा हिट था, इसलिए वो बहुत फेमस हो जाती है। तभी बेला देखती है कि वहाँ पर उसकी माँ भी आई थी, जो बेला के ऊपर काफ़ी प्राउड फील कर रही थी और ये देखने के बाद बेला भी बहुत ज़्यादा खुश थी। जिसके बाद बेला और उसके दोस्त पार्टी करने लगते हैं, जहाँ पर नील बेला को प्रपोज करता है और बेला भी उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद वो सभी लोग पार्टी करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर अगस्त्य आता है और बेला से कहता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया, वो बेला के बिना नहीं रह सकता। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी शॉक थे, क्योंकि पता नहीं अब बेला किसे चूज करेगी। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी कॉल मी बे सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।